तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम शुरू करने वाले मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो इसी का पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। और चैप्टर का नाम क्या है आपका? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब देखो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म को कॉज करता है। ये बातें क्लियर है? तो अभी कैसे मैग्नेटिज्म और मैटर आपस में रिलेटेड हैं, तो अगर हम बोलें इस पूरा यूनिवर्स, ये यूनिवर्स किससे बना है बेसिकली? आप सिंपली कह सकते हो, देखो यूनिवर्स में मैटर है और एनर्जी है। अभी अभी बस हम मैटर को रिलेट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म के साथ, कुछ देर में एनर्जी को भी रिलेट करेंगे मैग्नेटिज्म के साथ। ये बातें क्लियर है? तो फिलहाल मैटर की बात करते हैं। तो हमें पता है कि मैटर किससे बना है, एटम से बना है। देखो यूनिवर्स में मैटर भी है और एनर्जी भी है, एनर्जी भी एनी हो मैग्नेटिज्म ही है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल हम बस मैटर की बात करेंगे। तो सारे मैटर किससे बना है, एटम से बना है, ठीक है? एटम से मैटर बना है। ओके, वेल एंड गुड। मैटर कितने तरह के हो सकते हैं? हमने बोला या तो एक गैस के जैसा होगा, या लिक्विड होगा, या तो सॉलिड होगा। एक और हो सकता है आपका प्लाज्मा, फिलहाल उसको छोड़ते हैं। प्लाज्मा हो सकता है, फिलहाल छोड़ते हैं। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, इसी से हम क्या बोल सकते हैं, हमारे अर्थ में सारे नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। एनी हाउ सबके अंदर एटम्स ही होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ गैस, कुछ लिक्विड, कुछ सॉलिड पार्ट होता है। ये बातें क्लियर है? और इसी से हम कह सकते हैं हमारे प्लैनेट्स बने हैं, हमारे प्लैनेट्स बने, फिर हमारे स्टार्स बने, मतलब सन्स। इस तरह बहुत सारा प्लैनेट्स और मतलब कुछ बहुत सारा प्लैनेट्स और स्टार मिलके क्या बनता है, एक सोलर सिस्टम बनता है, एक सोलर सिस्टम बन जाता है। इस तरह बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके क्या बनता है, एक गैलेक्सीज बन जाता है। ये बातें क्लियर है? एक गैलेक्सी बन जाता है। इस तरह बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके क्या बन जाता है, हमारा यूनिवर्स बनता है। तो अगर हम देखें, अगर एटम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक एटम थोड़ा सा कर रहा होगा, लेकिन गैस सॉलिड इकट्ठा दिखेंगे बहुत ज़्यादा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर प्लैनेट में खुद एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, फिर सोलर सिस्टम का बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, फिर गैलेक्सी का और ज़्यादा, यूनिवर्स का और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस यूनिवर्स में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। हम इसको हर जगह में प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर उसके इन्फ्लुएंस को हम खुद झेलते भी हैं। ये बातें क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे एंसेस्टर लोगों को पता था कि इस तरह कुछ एक एलिमेंट होता है जो अट्रैक्ट करता है, कुछ ऐसा होता है? हाँ, हमारे एलिमेंट हमारे एंसेस्टर को भी पता था कि मैग्नेट के जैसा कुछ एक चीज़ होता है, और हमें इनके हिस्ट्री में पता चलता है। एक कहानी बताता हूँ तुमको, ठीक है? हमारे एंसेस्टर को कैसे पता है, देखो सुनो एक कहानी कि हमें 600 BC में BCs का कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स मिला है, डन, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स मिला है, और उससे हमें पता चलता है कि हाँ, उन्हें मैग्नेट्स के बारे में पता था। ये रिटन डॉक्यूमेंट क्या है, एक कहानी है एक आइलैंड का जिसका नाम है मैग्नीशिया। अब देखो, ऑब्वियसली अगर कोई आइलैंड है तो वॉल्केनिक इरप्शन से बना होगा। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब अर्थ का जो मोल्टन कोर है, मतलब ओर है, वो बाहर आएगा, और वो हाईली मैग्नेटाइट होता है, मतलब जो अर्थ का जो मोल्टन कोर होता है ना, लावा आपका, वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होता है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मूविंग चार्जेस होते हैं, ठीक है? वो सारे बातें हम आगे करेंगे थोड़ी बहुत। सो मैग्नीशिया एक आइलैंड था, एक आइलैंड था, ठीक है? ये आइलैंड बेसिकली आपका वॉल्केनिक इरप्शन से बना था, वॉल्केनिक इरप्शंस। अब क्या हुआ, इस आइलैंड पे ना बहुत सारे शेफर्ड थे। शेफर्ड मतलब पता है ना आपको, जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो लोग थे यहाँ पे। वो लोग क्या करते थे, वो लोग ना भेड़ बकरी चराने के लिए, देखो वो लोग जूता पहनते थे, उनका शूज़ है, देन उनका शूज़ है। अब ये जो शूज़ था, इंटरेस्टिंग क्या है, उस टाइम में शू लेदर के नहीं बनते थे, लेदर के हो या लकड़ी का हो, मतलब लकड़ी लेदर दोनों से मिला के बनाते थे, और इसमें वो लोग नेल्स यूज़ करते थे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, नेल्स, आयरन नेल्स यूज़ करते थे, अपना जो होता है ना नेल, नेल वो वाला नेल इस तरह शू में यूज़ करते थे वो, ठीक है? उसी से वो लोग शू का फ्रेम को, नीचे वाला बॉटम फ्रेम को बनाते थे, नेल को ठोक ठोक के। यानी हम आज के जूते में भी आप देख सकते हो, नेल उसमें मारा जाता है, उस टाइम पे भी मारते थे। अब होता क्या था, जब ये शेफर्ड लोग अपने भेड़ बकरी को चलाने के लिए मैग्नीशिया आयरन में घूमते थे, तो उनका पैर के नीचे, ये देखो एक आयरन नेल है और नीचे था आयरन और मैग्नेटाइट, वो ऐसे उनके नेल में चिपक जाते थे, उनके जूते में ऐसे ऐसे करके चिपक जाते थे, और वो डर जाते थे कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। उनको लगता था कि भाई इस ज़मीन में कुछ भूत है, और ये भूत उनको पकड़ रहा है, ठीक है? यहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ हैं। तो इस तरह बातचीत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल गया कि हाँ भाई, वहाँ पे ऐसा कुछ तो चीज़ है जो धरती आके इंसान से चिपक रहा है, ठीक है? धरती या भूत हो, कुछ भी आके इंसान से चिपक रहा है। तो ये कहानी साइंटिस्ट लोगों को पता चला, ये कहानी साइंटिस्ट लोगों को पता चला, तो बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ पे गए।
जब वहाँ पे साइंटिस्ट लोग गए तो उन्होंने देखा, हाँ भाई यहाँ पे वो लोग भूत नहीं देखा, उन्होंने देखा हाँ भाई यहाँ पे कुछ तो एक ऐसा मैटर है, यहाँ पे कुछ तो एक ऐसा मैटर है या फिर मटेरियल है, कुछ तो एक ऐसा मैटर है या फिर मटेरियल है या फिर आपका एलिमेंट है, ठीक है, सब एक ही जैसे नाम है, मैटर मटेरियल है एलिमेंट है, जो कि मैग्नीशिया में मिलता है, जो कि मैग्नीशिया में मिलता है और वो चिपकता है आयरन के साथ। ये बातें क्लियर है? तो उन्होंने उसका नाम दे दिया, यहाँ से उठाया MAGN, ठीक है। वो लोग पहले ऐसे बोलते होंगे शायद मैग्नीशिया मैटर या फिर मैग्नीशिया मटेरियल या फिर बोलते होंगे मैग्नीशिया का एलिमेंट। तो फिर बात ऐसे बहुत दिन बीतते गया, तो फिर हम लोगों ने उसका एक शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया, हमने उनको बोलने लगा मैग्नीशिया से तो MAGN रख दिया, मैग्नीशिया का MAGN, और एलिमेंट का ई और टी लगा दिया, एलिमेंट का ई और टी, दिख रहा है ना, एंडिंग का ई और टी लगा दिया, तो नाम क्या बन गया शॉर्टकट में, मैग्नेट। तो इसका मतलब है मैग्नेट कहाँ मिला था, देखो हो सकता है इसके पहले भी कहीं मिला हो लेकिन रिटन एविडेंसेस में मैग्नीशिया का बात है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि हाँ भाई मैग्नीशिया में मैग्नेट मिला था। तो ये है मैग्नेट का कहानी, हिस्ट्री। क्या इसका और भी कोई एविडेंस है कि वर्ल्ड का और भी कोई पार्ट में पता था कि ऐसा कुछ मैग्नेट वगैरह होता है? हाँ, हमारे पास और भी कुछ रिटन एविडेंसेस है, जैसे कि चाइना का बात करें तो चाइना में कुछ रिटन एविडेंसेस है 400 BC का। देखो चाइना का जो रिटन एविडेंस है वो 400 BC में शो कर रहा है और मैग्नीशिया का 600 BC में, तो इसलिए हमने बोला मैग्नीशिया को पहले पता चला था कि मैग्नेट ऐसा कुछ होता है करके, ठीक है। चाइना में 400 BC में कुछ रिटन एविडेंसेस है कि यहाँ पे चाइनीज़ लोग एक स्टोन का यूज़ करते थे, मतलब एक होली स्टोन या फिर समझ रहे हो ना, एक गॉड गिफ्टेड स्टोन जिससे कि हम डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं, समझ रहे हो, वो लोग एक स्टोन का यूज़ करते थे, उस स्टोन को अगर हम लोग कहीं भी रख देंगे तो वो तुम्हें दिखा देगा, डायरेक्शन दिखा देगा, बेसिकली दो डायरेक्शन को बताएगा। तो ऑब्वियसली वो स्टोन क्या है, स्टोन रहा होगा, आप समझ गए होगे, वो मैग्नेट की बात कर रहे हैं, डन। चाइना का एक और हिस्ट्री है कि यहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था होंग ती या होंग टाई कुछ होगा, मुझे तो नहीं आता चाइनीज, तो होंग ती एक राजा हुआ करते थे। इनका इस राजा का कहानी क्या है इम्पोर्टेंट, कि एक बहुत बड़ा राजा था, मतलब एक एम्परर था, समझ रहे हो ना, जैसे किंग ऑफ किंग्स होता है ना, वैसे ही है, किंग ऑफ किंग्स था, एक एम्परर था, इसने बहुत सारे राजा को मारा था, मतलब कह सकते हो अब चाइनीज अलेक्जेंडर था। अब इसने क्या इंटरेस्टिंग चीज़ बनाया था, इसने एक चैरियट बनाया था, चैरियट मतलब रथ होता है, चैरियट मतलब रथ, इसने एक रथ बनाया था, एक नहीं बहुत सारा बनाया था, ये रथ कुछ ऐसा था, इसके सामने एक पुतला लगाया था उन्होंने, उनका जो भी इंजीनियर रहा होगा उनसे बोला था कि पुतला बनाओ इसके सामने, डन। और इस पुतले के हाथ में ना ऐसे, पुतले के हाथ में एक सोर्ड हुआ करता था, ठीक है, ऐसा एक सोर्ड होता था या फिर ऐसा कुछ पॉइंटिंग होता था, बेसिकली एक सोर्ड था, ठीक है, ये सोर्ड था, ऐसा एक फ्रीली सस्पेंडेड सोर्ड था, और ये सोर्ड क्या था, यही एलिमेंट मैग्नेट से बना हुआ था ये सोर्ड, तो इसके हाथ में एक सोर्ड हुआ करता था, ये जो पुतला बनाया था इसके हाथ में एक सोर्ड हुआ करता था, ये सोर्ड कुछ ऐसा था, ठीक है, सामने एक नोकीला रहता था। अब बेसिकली क्या था, ये जो सोर्ड है ना, ये हमेशा देखो यार, नॉर्थ या साउथ या साउथ या नॉर्थ, डन। तो उनके अनुसार उस टाइम पे सेटअप कुछ ऐसा था, बेसिकली देखो हम जब कंपास बनाते हैं तो हम नॉर्थ साइड को रेड पॉइंट करते हैं, उन्होंने साउथ साइड को पॉइंट करवा दिया था, ये बातें क्लियर है, डन। तो ये जो आपका उनका जो एक सोर्ड होता था, ये जो चैरियट के सामने एक पुतला होता था, ठीक है, माउंटेड पुतला, इसका सोर्ड हमेशा साउथ डायरेक्शन में शो करता था, हमेशा साउथ डायरेक्शन में शो करता था, ये होंग ताई ने इस चैरियट को बनवाया था, बहुत सारा ऐसा बनवाया था। इससे फ़ायदा क्या हो गया, इससे एम्परर कैसे बने, किंग ऑफ किंग्स कैसे बने, इनके पास ऑलरेडी एक नक्शा होता था कि भाई मेरा ये जो इलाका है या फिर सराउंडिंग इलाका है ये कुछ ऐसा रहेगा, टेराइन वगैरह, कि यहाँ पे ऐसे कुछ ट्राइन्स वगैरह रहेंगे, ऑलरेडी उनके पास आइडिया होता था। यहाँ पे मान लो एक दूसरा राजा का महल है, ये बातें क्लियर है, ये एक और किंग का महल है, डन। उसके पास यहाँ पे सोल्जर्स, ये लोग ऑलरेडी इसको मुआयना कर लेते थे, कहते ना गुप्त दूत भेज देते थे। फिर क्या होता था, जब एकदम सुबह का टाइम रहेगा, कोहरा कोहरा रहेगा, मतलब क्या है, कोहरे में तो ज़्यादा दिखता नहीं है, एकदम मॉर्निंग टाइम पे अगर आप मान लो कि सुबह 4 बजे है और हर जगह कोहरा है, तो 7 बजे तक तो कोहरा हटेगा नहीं ना, एकदम कोहरा कोहरा रहता है। तो उसमें वो क्या करते थे, वो लोग पहले एक प्लानिंग कर लेते थे कि ये कुछ ऐसा मैप है, और कोहरे के अंदर वो इस चैरियट को लेके जाते थे, और बेसिकली इस डायरेक्शन से उनको आइडिया मिल जाता था कि हाँ भाई पहले हमें इस तरफ जाना है, इनको मार लेना है, फिर हमें एक टीम इस तरफ जाएगा जो कि इस साउथ के ऑपोजिट में जाएगा, उसको मारेंगे। अगर ये अगर साउथ होता तो मैं बोलता एक टीम सीधा ऐसे जाएगा, इन देखो एक टीम सीधा साउथ को फॉलो करते हुए जाएगा, एक टोली मिलेगा उनको ठोक दो, और एक टीम ये अगर साउथ है तो
तो अपने दाएं हाथ में जाएगा, यहाँ जाके उनको मार दो, और एक टीम यहाँ पे जाएगा, ऐसे जाके मार लो, फिर सब इकट्ठा आके राजमहल में अटैक करेंगे। तो ऐसा कर करके इस मैग्नेट वाला चैरियट को यूज़ करके होंग ताई एक एम्परर बन गए थे, मतलब किंग ऑफ किंग्स बन गए थे। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो ये है कुछ रिटन हिस्ट्री जो हमारे पास अवेलेबल है मैग्नेट्स के बारे में। अब देखो, तो हमें पहले पता नहीं था, देखो 19th सेंचुरी में ये सारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, ओयस्टेड ने एक्सपेरिमेंट का, ओयस्टेड के साथ जो इत्तेफाक हुआ था मूविंग चार्ज वाला, वो 19th सेंचुरी में हुआ था। आया बात समझ में? 19th, कुछ दिन पहले ही, अभी 20 चल रहा है, तो 90s, सम सॉर्ट ऑफ 100 ईयर्स बैक, ये बातें क्लियर है? उसके पहले हमें पता नहीं था कि मैग्नेट्स ऐसा क्यों होता है, लेकिन हमें ये पता था कि ऐसा एक स्टोन है जो अर्थ के साथ नॉर्थ साउथ में इस तरह होता है, अर्थ में रखने पर नॉर्थ साउथ में होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि हमें पहले से पता था कि भाई एक ऐसा स्टोन होता है। इस बार हम लोग मैग्नेट को एज ए स्टोन मानेंगे या फिर एज ए मैटर मान रहे हैं, ठीक है? हम उसकी कॉयल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी हमें पता है कि वो एक मूविंग चार्ज की वजह से होता है, और हमने देखा भी है कि इसका रूट कॉज क्या है, लेकिन उस टाइम उन्हें पता था कि एक स्टोन होता है जिसके कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे कि क्या वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमें उस टाइम में पता था एज ए मैग्नेट या फिर एज ए स्टोन उसके अंदर होता है, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।